युहन्ना की दूसरी पत्री। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूं जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। केवल मैं ही नहीं, वरन वो सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे फरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। फरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी हैं, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के लड़के बाले तुझे नमस्कार कहते हैं।